तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, हम नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। आज जा रहे हैं बाइक से पूरा नॉर्थ इंडिया घूमने। तो नॉर्थ इंडिया घूमेंगे साथ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे नई नई जगह नॉर्थ इंडिया की। अभी हमारा प्लान है, वैसे तो एक्चुअली प्लान नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो प्लान हम कर लेते हैं वो प्लान होता नहीं है, इसलिए प्लान नहीं बताना चाहिए। चलो, पर फिर भी बता के देखते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं रुद्रपुर के लिए। ये है उत्तराखंड में, जो पहले गए थे अपन। तो रुद्रपुर में थोड़ा काम है, 2-3 दिन का, वहाँ पे काम करके और फिर वहाँ से निकलेंगे हम नैनीताल। तो अभी हम हैं मौजूद जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोपहर के 12 बज गए, एक्चुअली थोड़ा सा काम था तो लेट उठे, तो अभी लेट निकल रहे हैं। देखते हैं, आज तो शायद दिल्ली रुकना पड़ जाएगा। तो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं बाकी रुकना तो अपने को रुद्रपुर है। रुद्रपुर 500 किलोमीटर यहाँ से, पहले गए थे तो 7-8 बज गए थे, पर सुबह जल्दी चले थे, तो आज तो शायद नहीं पहुँच पाएंगे रुद्रपुर। तो जहाँ पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे, अपना तो काम यही है, बस चलते चलो चलते चलो। तो देखते हैं कहाँ तक चलते चलते हैं। ओके, तो चलिए। तो कोटपुतली पहुंच गए हैं, अभी यहाँ पे लेंगे हेलमेट, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ काम बताया था यार घर पे, करके नहीं आए, पावटा में भूल गए। तो देखिए अभी रीडिंग, ये अभी अपना गाड़ी चला है 11,733 किलोमीटर। तो देखते हैं आज शाम तक कितना चलाते हैं, दिखाते हैं जी। तो चलो अब निकलते हैं, पहले हेलमेट लेते हैं कोटपुतली से, फिर हेलमेट खरीद के और फिर निकलेंगे। बाकी ये देखिए उपहार सुपरमार्केट कोटपुतली, ये ब्रिज है कोटपुतली का। चलिए निकलते हैं आगे। तो ये आगे जी प्रदूषण बनवा लेते हैं। बाकी नीमराणा पहुंच गए, लेकिन हेलमेट नहीं मिला अभी तक। हेलमेट देख रहे हैं, गाड़ी कोई बढ़िया सी शॉप मिल जाए, बढ़िया सी कैसी भी नहीं मिली, देखते हैं लेंगे यार कहीं। तो बाकी मौसम ठीक हो रहा है अभी, गर्मी नहीं हो रही इतनी। तो सोना पहुंचने वाले हैं, 8 किलोमीटर और बचा है। तो यहाँ पूछ के थोड़ा लस्सी पी रहे हैं, थोड़ा क्या 4-5 ग्लास पी रहे हैं, एक दो से तो कुछ होता नहीं अपने। बाकी यार हेलमेट अभी तक नहीं मिला है, तो हालत ख़राब हो गई रास्ते में। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना मतलब बहुत बेकार है, कभी नहीं चलाना चाहिए। पर क्या करें यार, मिल नहीं रहा है हेलमेट अच्छा, लोकल मिल रहा है, लोकल अच्छा लगता नहीं। चलो देखते हैं, देखा सोना मिलेगा तो लेंगे। बाकी चिकन भी पीने में मज़ा आ गया यार, ज़बरदस्त। हेलमेट ले लिया, स्टील बर्ड एयर SBA 21। हाँ जी, सोना पार कर दिया, 11,865 किलोमीटर, बोले तो 700 पे चले थे लगभग, 165, 150 किलोमीटर चला दी गाड़ी। 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अब हेलमेट लिया है। चलो जी अब चलते हैं। वैसे टाइम हो गया 4:30 बज गए जी, यहाँ 12 बजे चले थे, 4:30 घंटे लगे 150 किलोमीटर में। अब देखें आगे कितना टाइम लगता है हेलमेट लगाने के बाद। चलो चलते हैं। तो जी अब चलते हैं, अब आएगा मज़ा। अभी तक तो ऐसे ही चल रहे थे, अब बनाते हैं थोड़ा सा वीडियो भी।
अभी हम हैं ईस्टर्न वे एक्सप्रेस वे पे। ये सीधा मतलब दिल्ली के एक तरह से रिंग रोड टाइप का है। ये हमारी बाइक खड़ी है और ये हम खड़े हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, तो ये वाला हाईवे देख रहे हैं, ये सीधा है जी यमुना एक्सप्रेसवे। तो नीचे वाला एक्सप्रेसवे है, ये है यमुना एक्सप्रेसवे। और अभी जिस पे हम हैं अभी, ये है ईस्टर्न वे एक्सप्रेसवे। मस्त रोड है, एकदम चकाचक वाला, मज़ा आ रहा है। बाइक खड़ी अपनी, एकदम सीधा रोड है अभी। वैसे शाम के 5 बज गए हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। चलो चलते हैं, तो चलिए चलते हैं। अभी हम हैं ईस्टर्न वे हाईवे पे, एकदम शानदार जक्कास रोड है, गाड़ी खूब खींच के चल सकती है जी। लेकिन अपन ज़्यादा तो क्या 80-90 तो चल रही है बस, ये मान लो। बाकी यहाँ से रुद्रपुर है अभी 220 किलोमीटर, लेकिन अभी क्या है कि 5 बज गए, तो 5 बज गए दैट मीन्स 220 किलोमीटर तो शायद नहीं चला जाएगा अभी। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक चलेंगे, थक जाएंगे तो रुक जाएंगे। चलिए ऐसे मस्त शानदार चकास हो रहा है भाई ईस्टर्न वे एक्सप्रेस वे। तो रात के 10 बज गए, रामपुर पहुंच गए। देखते हैं यार आगे, सोच रहे हैं रुद्रपुर चले जाए, मुँह वगैरह धोया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो खाना खाने के लिए रुक गए, खाना खा के फिर निकले। तो हम रुके हैं होटल शिव टूरिस्ट ढाबा। थाली देखो 150 रुपये की, स्पेशल थाली 200 की, और डिलक्स थाली 200 की, स्पेशल 250 की। डिलक्स थाली खा लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आएगा। चलिए खाना खाते हैं और फिर पहुँचते रूम पे, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे, बताते हैं। मस्त है खाना यार, मस्त खाना एकदम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब कल तो क्या है, पूरा सफ़र हो गया ऐसे ही बिना हेलमेट के कारण, बहुत परेशान हो गए। हेलमेट के बिना 150 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो पूरे हालत ख़राब हो गई। तो रात को हो गए थे थोड़ा सा लेट, क्योंकि घर से 12 बजे चले थे। तो अभी हम रुक गए मुरादाबाद और रामपुर के बीच में, एक जगह है यहाँ पे रुक गए, एक छोटा सा ढाबा मिला, वहाँ पे खाना खाया 10 बजे और वहीं पे सो गए। तो ये रूम था हमारा, यहाँ पे रुके आज रात को। अब यहाँ से ओनली 70 किलोमीटर रुद्रपुर बचा है, तो चलिए रुद्रपुर जाते हैं और वहाँ पे एक अच्छे से रूम लेते हैं और फिर वहाँ पे अपना जो काम है वो काम करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं रुद्रपुर। ठीक है, कल अपन चले थे 10,710 पे, आज हो गए 12,119। होटल शिव शक्ति, शिवा टूरिस्ट ढाबा। वैसे साफ सुथरा तो इतना नहीं था, पूरा गंदा ही था, पर क्या है काम चलाना था और चला दिया। अभी रामपुर है यहाँ से 20 किलोमीटर। Thank you.
अभी शायद एंगल सही आ रहा होगा। हम यहाँ पर शाम रहता है, पकड़ भी सकते हैं इसको हाथ से भी। गर्मी हो रही है तकड़ी, पसीने ऐसे टपक रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। हाँ जी, तो रुद्रपुर पार करके हम पहुंच चुके हैं पंतनगर। ये मेरे पीछे जो है ये है पंतनगर हवाई अड्डा। तो हमने डिसाइड किया है कि रुद्रपुर ना रुक के हम रुकेंगे लाल कुआ। ये देखिए पंतनगर कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, इधर है एयरपोर्ट। चलिए अब चलते हैं सीधा अपन इधर से लाल कुआ। हाँ जी, तो पहुंच गए लाल कुआ। यहाँ लोग ले लिया है 500 रुपये में सिंगल रूम, होटल जगदीश करके हैं। तो चलिए चलते हैं रूम में। तो आज के वीडियो को बस यहीं करते हैं समाप्त। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय। ये है लॉज का रिसेप्शन, इधर अपना रूम है। रूम अच्छा है, साफ सुथरा दिखूँ हमारा, अच्छा है, साफ सुथरा है रूम, तो अच्छा कर रखा है। बाकी ये टॉयलेट है, ठीक है।